दोस्तों डेली यूज होने वाले हिंदी के इंग्लिश दोस्तों इस प्रकार है, फल बेचने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों फल बेचने वाले को इंग्लिश में फ्रूट सेलर कहते हैं हम। नेक्स्ट है, पापा के छोटे भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पापा के छोटे भाई को इंग्लिश में फादर्स यंगर ब्रदर कहते हैं हम। नेक्स्ट है, पापा के बड़े भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पापा के बड़े भाई को इंग्लिश में फादर्स इल्डर ब्रदर कहते हैं। नेक्स्ट है, आप कौन है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप कौन है को इंग्लिश में हु आर यू कहते हैं। नेक्स्ट है, गाय भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों गाय को काव और भैंस को बेफेलो कहते हैं। नेक्स्ट है, माला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों माला को इंग्लिश में गेलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है, सिखाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिखाना को इंग्लिश में लर्न कहते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ना लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पढ़ना लिखना को इंग्लिश में रीड एंड राइट कहते हैं हम। नेक्स्ट है, खेल करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों खेल करना को इंग्लिश में टू प्ले कहते हैं हम। नेक्स्ट है, बात करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों बात करने को इंग्लिश में टू टॉक कहते हैं हम। नेक्स्ट है, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों कांच को इंग्लिश में गिलास कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।